इसराइल हमास वॉर में अपने साथी देश इसराइल की मदद के लिए अमेरिका ने भूमध्य सागर में यूएसएस ड्वाइट डी आइजनहावर कैरियर स्ट्राइक ग्रुप और यूएसएस जेराल्ड फोर्ड कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को तैनात किया है। दोनों युद्धपोतों में अमेरिका के हजारों कमांडो, दर्जनों फाइटर जेट्स, खतरनाक मिसाइलें और अटैक हेलीकॉप्टर्स तैनात हैं। ये दोनों स्ट्राइक ग्रुप छुट्टियों में किसी भी देश की हालत खराब कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका की इस मौजूदगी से रूस को परेशानी हो रही है। इसके जवाब में रूस ने काला सागर में अपनी किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल को तैनात कर दिया है। इस मिसाइल की ट्रैकिंग और स्पीड से किसी को भी मार गिराना संभव नहीं है। इस मिसाइल का इस्तेमाल यूक्रेन के साथ युद्ध के समय रूस ने लवीव शहर पर किया था। साथ ही रूस ने दावा किया था कि जितने भी देश नाटो में शामिल हैं, उनके पास किंजल मिसाइल को रोकने की ताकत या तकनीक नहीं है। ये मिसाइल दुनिया को किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है, आसानी से दिशा और गति बदल सकती है। इसे ट्रैक करना मुश्किल होता है, बहुत ही ज़्यादा सटीक मार्कर या घातक होती है। ये एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल की श्रेणी में आता है। आमतौर पर इसे जमीन और पानी में चल फिर रहे या छुपे हुए टारगेट पर दागा जाता है। यह आवाज़ की गति से 10 गुना ज़्यादा स्पीड में चलती है, यानी 61,000 से 12,348 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। इसकी अधिकतम रेंज 2000 किलोमीटर है, जबकि काला सागर में भूमध्य सागर की दूरी मात्र 1700 किलोमीटर है। किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल में 480 किलोग्राम वजन का परमाणु या पारंपरिक हथियार लगा सकते हैं। इसे डैगर भी बुलाया जाता है, इसका मतलब होता है खंजर। इससे पहले रूस में पिछले साल इस मिसाइल का इस्तेमाल दक्षिण पूर्व यूक्रेन के एक अंडरग्राउंड वेयर हाउस को उड़ाने में किया गया था। रूस की सरकारी मीडिया संस्थान GASS की रिपोर्ट के अनुसार रशिया में अपने हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रदर्शन पहली बार 2018 में किया था। रूस ने 1941 से 45 में जीते ग्रेट पेट्रियाटिक वॉर में 73वें वर्षगांठ पर विक्ट्री डे मिलिट्री परेड में रेड स्क्वायर पर प्रदर्शित किया था। उसने इसे अपने MiG-31 के लड़ाकू विमान में तैनात किया था। आइए आपको बताते हैं क्या है हाइपरसोनिक मिसाइल। हाइपरसोनिक मिसाइल वो हथियार होते हैं जो ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा गति में होते हैं, यानी 6100 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी गति और दिशा में बदलाव करने की क्षमता इतनी ज्यादा सटीक और ताकतवर होती है कि इन्हें ट्रैक करना और मार गिराना असंभव होता है। फिलहाल हाइपरसोनिक मिसाइल अमेरिका, रूस और चीन के पास है। भारत ऐसी मिसाइल बना रहा है। रूस के पास ICBM एवनगार्ड है। यह मिसाइल ध्वनि की गति से 20 गुना ज्यादा रफ्तार है, यानी 24,696 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उड़ती है। हाइपरसोनिक हथियार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला ग्लाइड व्हीकल, यानी हवा में तैरने वाले। दूसरा क्रूज मिसाइल। ब्यूरो रिपोर्ट, पर्यावरण पोस्ट।